ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है शायद से। ओके सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का इन पार्ट टू ऑफ दिस गेम द डार्क अकल्ट में। तो गाइज देखो, अभी हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले दूसरे रूम्स की तरफ, क्योंकि हमें एक न्यू चावी मिली थी लास्ट पार्ट में, हमें एक न्यू की मिली थी एंड उस की मदद से हम लोग जो है दूसरे रूम्स एक्सप्लोर कर पाएंगे जो हम लोग पहले नहीं कर पाए थे। तो एक दरवाजा है जो हमने जो हम उस चावी की मदद से खोल सकते हैं, तो वो मैंने मैप में देख के रखा था। देखो ये जो ब्लिंक कर रहा है ना लेफ्ट में, ये जो ऐसे हाईलाइट कर रहा है सर्कल में, देखो तो इस वाले दरवाजे के पास हमें जाना है, ठीक है। एंड ये वाला रास्ता ही है, हाँ ये हम सही जा रहे हैं। तो ऐसे हमें जाना है एंड देखते हैं उस दरवाजे में से हमें क्या मिलता है, क्योंकि देखो एक मिनट हाँ, कोई अचानक से आ ना जाए भाई, ठीक है। क्योंकि देखो पिछले पार्ट में हमें पता चला कि ये जो भी बैड स्पिरिट्स है, इवल स्पिरिट्स जो इस घर के अंदर घूम रही है, मैं अभी स्पिरिट्स की बात कर रहा था एंड ये देखो कौन आ गया सामने गाइस। ओ शिट, एक मिनट गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके तो मुझे सामने ही जाना है एंड ये सामने ही खड़ा है ये बंदा, चलो जो होगा देखा जाएगा। रॉबर्ट, इज दैट यू? ये इसको जानता है, अपना कैरेक्टर है ना, इसको जानता है, लेकिन शायद से ये पोजेस हो गया है, ये बैड स्पिरिट ने इसको पकड़ लिया लग रहा है, इसके दोस्त को रॉबर्ट को, इसलिए काफी स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है। देखो वेयर इज एवरीबॉडी, वेट वेयर आर यू गोइंग? ओके मैं क्यों मुड़ा, व्हाट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन हियर? भाई कांच तो अभी तक पैक्ड ही है, कांच तो टूटा ही नहीं। ये जो बंदा था रॉबर्ट, ये हमें पिछले पार्ट में भी दिखा था, लेकिन इस बार हमें कुछ ज्यादा ही दिखा, फेस टू फेस दिखा हमें। पिछले पार्ट में हमें ऐसे पास बाय होते हुए दिखा था। तो देखो गाइस ये है वो दरवाजा जो हमें जो नई चाबी मिली थी ना, तो इसकी मदद से हम लोग ये खोल पाएंगे। चलो बढ़िया बढ़िया, तो ये हम लोग पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं वाला दरवाजा, मतलब ये वाला रूम दरवाजा नहीं। एक काम करता हूँ गाइस, दरवाजा बंद ही रखना चाहिए हमें, ठीक है, पीछे से कोई आ ना जाए बस। ओके तो पता नहीं कुछ तो लिखा हुआ इधर, टू करके आ रहा है बस मेरे को सिर्फ ये। गाइस हमें फ्लैशलाइट मिल गई फाइनली, पिछले पार्ट में मैं ढूंढ रहा था फ्लैशलाइट को, लेकिन अब जाके मिली हमें, बहुत सही, फ्लैशलाइट वाज फाउंड। ओके देयर इज अ नंबर रिटन ऑन द वॉल, सिर्फ हमें टू नंबर ही दिख रहा है बस। ओह द अदर नंबर्स हैव बीन इरेस्ड। ओके चार डिजिट है, ये कोई तो कोड है जो हमें यूज करना है। ओके पैडलॉक है ये, शायद दैट्स अ पैडलॉक, हां पैडलॉक, मेबी इट्स कनेक्टेड विद द लॉक कोड दैट आई फाउंड ऑन द डोर, पिछले पार्ट में हमें दिखा था ये दरवाजा, ड्रू दिस एंड व्हाई? ठीक है प्रेस लेफ्ट माउस बटन एंड और ए बटन टू सेव द नंबर इन द नोटबुक। ओके ओके ठीक है, भाई ये क्या हो गया इसको यार, इसके दोस्त को हो क्या गया भाई, क्या चल रहा है, आर यू ऑल राइट, क्यों पटक रहा है अपना सर? रॉबर्ट व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? रॉबर्ट आंसर मी, भाई क्या चल रहा है ये, गेट आउट फ्रॉम,
get out from here. ठीक है, एक एक काम करते हैं। ये वाला दरवाजा खोल सकते हैं क्या? ओके, इसको बैंग क्यों कर रहे अपन? नहीं, ये नहीं खुलेगा, ये दरवाजा एक्चुअली बंद है। तो देखो, फ्लैशलाइट में भी लिमिटेड पावर है, तो इसको पावर रिचार्ज करने के लिए, इसका पावर रिचार्ज करने के लिए कुछ रहेगा, यू नो, इसकी कोई चीज रहेगी, आइटम रहेगी ढूंढने के लिए, तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, पता नहीं, ये डार्क शैडो है गाइस सामने, कोई तो डार्क शैडो है। उधर चलते हैं, पहले हम लोग इधर आते हैं। ये रहा फ्लैशलाइट की बैटरी। ओके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ओके, वाई से अपन जो है इसको रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। ऑब्वियसली डोर इज लॉक्ड, कोई नहीं, हमें जाना है इस तरफ वैसे तो। गाइस ये आ गई वापस, ये हमें पहले दिखी थी, ये वापस आ गई। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है शायद से। क्या चल रहा है, दिक्कत क्या है? मुझे अभी भागना है इससे बेसिकली। गेट आउट फ्रॉम हियर, लेकिन क्यों? ओके गाइस, तो मुझे अभी भागना है सीधा ये वाले रूम में, सेफ एरिया में। बंद कर दे। ओके, एक मिनट गाइस, ठीक है। तो वो जो इवल स्पिरिट है वो मेरे पीछे पड़ी है, एंड ऐसा कहा है कि वो स्पिरिट्स इस रूम में नहीं आ सकती। मैंने पहले गलती कर दी थी दूसरे वाले रूम में जाके, इसलिए उसने मेरे को पकड़ लिया था, लेकिन हमें इस वाले जगह पे आना था। अभी हम लोग सेफ है, बस एक ही दिक्कत है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो है कहाँ पे अभी, क्या वो इसके बाहर है, कहाँ घूम रही है, क्या अपन अभी निकल सकते हैं, पता नहीं। ये दरवाज़ा खोलूँगा ना तो मुझे बहुत ध्यान से खोलना पड़ेगा। एक मिनट हाँ, सेव कर सकते, सेव करना बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है? क्योंकि इस गेम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो चेक पॉइंट्स है ना, ये बहुत मैटर करते हैं। ऑटो सेव नहीं है, ऑटो सेव वाला शायद से इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर आई फील जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, ये चेक पॉइंट्स बस। अगर इधर आपने सेव कर दिया लास्ट, जो भी लास्ट टाइम है, तो उधर से ही चालू होगा, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना हमें। एंड वो अब वो है ना, अपने पीछे पड़ चुकी है वो जो इवल स्पिरिट है, वो अभी हमें चेस करती रहेगी कहीं से ना कहीं से, तो वो यू नो अचानक से प्रकट हो जाएगी, टेलीपोर्ट होगी, तो मैं बहुत ध्यान दे रहा है। मुझे ये नंबर्स ढूंढने गाइस, ये देखो ये है नंबर, ठीक है। चलो, दो डिजिट्स हमें मिल गए, अभी दो और हमें ढूंढने हैं नंबर्स, बेसिकली चार डिजिट का कोड है। ओके,
ओके बेसिकली हमें शायद चाहिए नंबर्स ढूंढने गाइस। ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं ना, ये नंबर्स को ढूंढना एक एक मेन टास्क है अभी अभी के लिए हमारे लिए। तो एक काम करता हूं, मैं जल्दी से चलता हूँ इधर एंड मैं सेव कर ही लेता हूँ क्योंकि मैं कोई बिल्कुल छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो सेव कर लेते हैं। चलो हो गया। तो बेसिकली हमें तीन नंबर्स मिल चुके हैं, तीन डिजिट्स हमें मिल गए, एक लास्ट नंबर हमें चाहिए। उसके बाद हम लोग जा सकते हैं वो वाले दरवाजे पे जहाँ पे वो पैडलॉक लगा है। ओके गाइस, तो देखो मैं आया था लाइब्रेरी वाले एरिया में, यानी कि ये लाइब्रेरी वाला एरिया है। एंड इधर पहले हमारे पास फ्लैशलाइट नहीं थी, लेकिन अब जो है हमें ये सारी चीजें दिख रही है अच्छे से। तो देखो 4320 करके लिखा आ रहा है, तो ये कोई दूसरा कोड है, ठीक है, हम जो ढूंढ रहे वो नहीं है, ये तो कुछ और है। तो 4320 एक बार हम लोग टाइप कर लेते हैं, ठीक है। आगे गाइस अपन गए। ओके गाइस, वापस हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले उसने पकड़ लिया था, लेकिन अब अच्छा अब तो ये नंबर भी चेंज हो गया, 8072। चलो जल्दी 8 0 2। बढ़िया, गाइस वी हैव गॉट इट। गाइस हमें टॉरस की मिल गई। मेरे को जल्दी से सेव करना पड़ेगा ये गेम। एंड मुझे जाना है काफी दूर वैसे थोड़ा। चलो जल्दी से चलते उधर। चलो चलो गाइस, ये रहा टॉरस का दरवाजा, ठीक है, लेट्स गो। शिट, ये क्या है, सारे पेंटिंग वाला रूम है शायद, ये सारे पोर्ट्रेट्स वगैरह रखे हैं इधर। What's that? Guys, we have got it. हमें कोड मिल गया। एक दिक्कत है गाइस, एक दिक्कत ये है कि एक न्यू क्रीचर हमें देखने को मिल गया है, ठीक है, एक नया क्रीचर जो हमने पहले कभी एनकाउंटर नहीं किया है। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं चलता हूँ इधर से, इधर से बाहर जाना है मेरे को पहले सेफ वाली जगह पे जाना पड़ेगा यार। बस कोई आ ना जाए। जल्दी मेरे भाई, फाइनली गाइस। ओके तो चलो हमें चारों कोड मिल गए, मतलब चार डिजिट वाला कोड मिल गया। अभी हमें जाने वो पैडलॉक वाला जो दरवाजा है उधर जाके हमें फिगर आउट करना पड़ेगा पहले तो, कि कौन से पोजीशन में डालना है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का पोजीशन हमें पता है, फर्स्ट एंड लास्ट है। बीच के जो दो है वो हमें थोड़े स्वाइप करके डालने पड़ेंगे। चल लेट्स गो, काम करते हैं, सीधा अपन चलते हैं ये वाली जगह पे, पैडलॉक। हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं, सीधा मैं उधर ही मिलता हूँ। चलो ठीक है, एक बार मैं ये देख लेता हूँ। ठीक है, तो 7 and 3 ये दोनों का पता है, 2 and 8 का नहीं पता। 7 2 8 3 7 2 8 3 एक काम करता हूँ, लगा के देखता हूँ। 7 और ये 3 था, ये तो पता है। 2 8 वैलिडेट करके देखते हैं। नहीं नहीं रुको रुको,
अबे ये वापस क्यों रीडो क्यों हो रहा है? ये बहुत खराब है यार इसका ये। अब होना चाहिए, अब ये सही होगा। बढ़िया, ये हुई ना बात। फाइनली तो गाइज, अगर याद होगा आप लोग को, अगर आपने पार्ट वन देखा है तो आपको याद होगा ये स्टार्ट में सबसे पहले ही आया था ये वाली जगह। ठीक है चलो लेट्स गो। बहुत सारे चूहे हैं यार इधर। इधर से कोई आना जाए भाई, पीछे से वो खुला है ना। ओ शिट, ओ इज इट अ डेड बॉडी? ओ समबडीज देयर, आई गॉट टू बी केयरफुल। ठीक है ऊपर गाइस कोई तो चल रहा है, अपने ऊपर ही है जस्ट। क्या है भाई, ये लोग तो चूहे भी खाते हैं। दिक्कत है मेरे को, इधर तो जाने थे पहले। Oh, no, it's Robert's dead body. Oh, I don't have a choice. Shit, guys. I've got to keep going. इसकी बॉडी को कोई तो ले गया। The artifact has to be with him. अच्छा तो जैसे मैंने बताया था हमें वो पांच आर्टिफैक्ट्स ढूंढने हैं, पांच। अभी तो पहला हम ढूंढने वाले हैं, उसके हाथ में था, रॉबर्ट के हाथ में ये रहा, शायद से तो गिरा हुआ है ये पहला आर्टिफैक्ट। ये सारे आर्टिफैक्ट्स को लेके जमा करके हमें जो है जलाना है, तब जाके ये गेम खत्म होगी। ओ भाई प्रोटेक्शन टैलिस्मैन, बढ़िया। तो ये है वो आर्टिफैक्ट, म्यूजिक बॉक्स आर्टिफैक्ट वॉज फाउंड। अभी मुझे जल्दी से सेव करना चाहिए गाइस, क्योंकि आई डोंट थिंक ये पार्ट सेव हो रहा है अपने आप, ऑटो सेव वाला सीन है नहीं शायद इसमें। जल्दी से हमें इसके बाद जाना पड़ेगा वो सेफ रूम में। ओह इसमें हार्ट बीट है गाइस, कुछ तो ऐसे देखो छोटा सा बेबी टाइप, पता नहीं। ओके ओके शिट, कुछ तो हो रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ आ गई, गुस्सा हो गई ये, पक्के से गुस्सा हो गई। अब ये हमें जाने नहीं देगी, इसकी चीज हमने चुरा ली है। भाग मेरे भाई भाग भाग। Shit guys, अब ये क्या था, स्पेशल पावर है क्या अपने पास? मुझे ऐसा लग रहा है, आई फील कुछ तो था, ये कुछ अलग ही था वो। अपन जल्दी से चलते गए। एक मिनट, मुझे सेफ एरिया में जाना है यार। हीरा
ये रहा सेफ रूम, जल्दी मेरे भाई। अबे यार मेरे भाई जल्दी, चला दिया, we did it। ओ एक और चाबी मिल गई, मतलब ऑलमोस्ट हमें सारी की सारी चाबियां मिल चुकी है अब। ओके भाई साहब ये हुई ना अचीवमेंट। चलो सेव कर लेते हैं, ये वाला पार्ट जरूर से सेव करना है। एक चीज देखी क्या, जब हमें वो आर्टिफैक्ट बर्न करना था तब हम लोग सेव नहीं कर पा रहे थे, ये क्या है यार। फाइनली चलो सेव हो गया, सारी की सारी हमने मोस्टली हमें सारी की सारी चाबियां मिल चुकी है। ठीक है अभी चार आर्टिफैक्ट्स बच रहे हैं जिसको हमें बर्न करना है, पता नहीं कब हमें वो मिलने वाले, कहां से मिलेंगे। तो फिलहाल गाइस मैं ये वाला पार्ट इधर ही एंड करता हूं। आई होप यू ऑल एंजॉयड पार्ट टू ऑफ दिस गेम द डार्क ऑकल्ट, है ना। तो आई होप मजा आया हो, अगर अच्छा लगा हो देन डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेम स्टार। मिलेंगे बहुत जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में, एंड काफी एक्साइटिंग एंड काफी मजा आ रहा है मुझे तो। आई होप यू ऑल आर हैविंग फन, ठीक है मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड सी यू वेरी वेरी सून।